today I'm at the Uttar Pradesh Congress Committee office in Lucknow. With me is Mr. Ayaz Khan. देखिए सोशल मीडिया तो कांग्रेस के लिए हमेशा से इम्पोर्टेंट रही है. जी जी. माननीय राहुल गांधी ने इसको देखा हुआ है, क्या हुआ है. राजीव गांधी जी ने इसको लाया हुआ है. तो वो कहीं पहले से कांग्रेस पार्टी देख रही थी कि सोशल मीडिया के माध्यम से हम प्रचार प्रसार और दुनिया में रजिस्टर कर सकते हैं. जी. तो एक अच्छी पहल स्वर्गीय राजीव गांधी ने स्टार्ट की थी. जी. और ये अलग बात है, इसको कहीं से हम लोग कैश नहीं कर पाए. तो कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें अपने बच्चे के काबिलियत का पता नहीं होता है, लेकिन जब कोई दूसरा उसको कैश करता है तो हमें उसके हुनर का पता होता है. चुनाव में अभी मुझे संगठन का प्रभार मिले सोशल मीडिया का. जी. एक महीने कुछ दिन हुए हैं. जी. मैंने उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में अपनी टीम खड़ी कर दी है. जी. हमने उत्तर प्रदेश के 403 जो विधानसभाएं हैं वहाँ हमारे प्रभारी नियुक्त हो गए हैं और वो व्हाट्सएप का जाल अपनी अपनी विधानसभाओं में फैला रहे हैं. व्हाट्सएप को मैंने मैदान बनाया है चीज़ों को उठाने के लिए, हमला करने के लिए. जी. और अपनी बात को कहने. इस पर हमें जो मैसेज प्राप्त हो रहा है वो 78,424, आप इसको फोर्सिंग देख सकते हैं. 1,00,000 लोगों तक हमारा सीधा जो संपर्क जुड़ा हुआ है. वो कार्यकर्ता लगे हुए हैं जो चीज़ों को लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. का काम है अपने वरिष्ठ नेताओं के कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि जितने भी मेन मेन कार्यकर्ता सबके पास अपना जो मोबाइल वगैरह सब यूज करते हैं, अपनी पर्सनल डिवाइस यूज कर रहे हैं उसके थ्रू, और लैपटॉप भी है, पीसी भी है. जी. तो चूंकि यहाँ पर जो हमारा काम है वो मेनली हमारी पार्टी के कार्यक्रमों को लोगों तक पहुँचाना है.